हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बेंजल्डिहाइड जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एल्डिहाइड सीरीज का, एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसकी, और साथ में कुछ दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो नेम रिएक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहली है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वे कार्बोनिल यौगिक देते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन का अर्थ क्या है? ये कार्बोनिल समूह है, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो जो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो जब इस तरह का कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो उसके दो मोल जो है वो माइल्ड बेस या दुर्बल क्षार जैसे कि अति तनु NaOH, अति तनु KOH या पोटेशियम कार्बोनेट इत्यादि की उपस्थिति में उनका संघनन होता है और उससे एल्डोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एल्डोल अर्थात जिसमें कार्बोनिल समूह और एल्कोहल समूह दोनों साथ साथ में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसमें एसिटाल्डिहाइड लें, एसिटाल्डिहाइड में ये कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, इसको हमने दोनों को अलग अलग तरह से प्रदर्शित किया है, तो ये भी एसिटाल्डिहाइड है ये भी एसिटाल्डिहाइड है। दो अणुओं का संघनन होता है दुर्बल क्षार की उपस्थिति में और इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है जो कि एल्डोल। अब इसमें देखिए एल्डिहाइड समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है तो ये एल्डोल कहलाता है, तो एल्डोल बनता है। अब ये जो एल्डोल है ये गर्म करने पर इसमें जल के अणु का विलोपन होता है, कैसे? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो प्रोटोनल्डिहाइड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया और उसके आगे किस तरह से निर्जलीकरण उसका होता है। अब इसकी हम क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म देखें, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्षार जो OH- आयन देता है वो क्षार इस कार्बोनिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ग्रहण करता है जिससे कि जल के अणु का विलोपन हो जाता है और इस कार्बन पर यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है अर्थात कार्बन आयन इसमें मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। अब ये कार्बन आयन क्या होगा? ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये एसिटाल्डिहाइड के दूसरे अणु के धनात्मक केंद्र कार्बन पर आक्रमण करके और इस तरह का उत्पाद देगा और ये किसी भी सोर्स इवन जल से भी प्रोटॉन ग्रहण करके और इस तरह से एल्डोल में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में दो कार्बोनिल यौगिक के अणुओं का संघनन होता है और उससे जो उत्पाद बनता है उसमें कार्बोनिल समूह भी होता है और एल्कोहल समूह। अब इसमें यदि हम एसीटोन लें, एसीटोन में दो अल्फा कार्बन है और दोनों पर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, तो ये भी एसीटोन है ये भी एसीटोन है, दोनों को हमने अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया है। चार OH- की उपस्थिति में दो अणुओं का संघनन होता है और इस तरह का एल्डोल प्राप्त होता है। अब ये जो एल्डोल है इसमें भी जल का विलोपन होगा गर्म करने पर, अस्थायी होता है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह का उत्पाद बनता है। इसमें भी देखिए कार्बोनिल समूह जो है वो उपस्थित है पर एल्कोहल समूह जल के रूप में निकल गया है और ये उत्पाद मैसिटिल ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो एसीटोन से जो एल्डोल बनता है वो एल्डोल जल के अणु के विलोपन के द्वारा मैसिटिल ऑक्साइड में परिवर्तित। अब इसी में हम लेते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल में क्या है? दो अलग अलग तरह के कार्बोनिल यौगिक हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अब इसमें एसिटाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है, एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनका जब दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो चार एल्डोल का मिश्रण प्राप्त होता है। मिक्सचर ऑफ फोर डिफरेंट एल्डोल्स इज ऑब्टेंड। और ये जो चार अलग अलग एल्डोल प्राप्त होते हैं उसमें दो सिंपल एल्डोल होते हैं और दो मिक्स्ड एल्डोल होते हैं। अब
चार एल्डोल कैसे बनेंगे? देखिए एसीटल्डिहाइड जो है, एसीटल्डिहाइड में से जब एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा क्षार के द्वारा तो इस तरह का कार्बन आयन बनेगा, और जब एसीटोन CH3COCH3 है इसमें से जब अल्फा हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो इससे जो कार्बन आयन बनेगा वो इस तरह का होगा। तो दो अलग अलग तरह के कार्बन आयन इसमें प्राप्त हो रहे हैं, ये एसीटल्डिहाइड से और ये एसीटोन से। अब ये दो अलग अलग जो कार्बन आयन हैं ये एसीटल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पे भी आक्रमण कर सकते हैं, एसीटोन के कार्बोनिल समूह पे भी आक्रमण कर सकते हैं। तो जब एसीटल्डिहाइड से जो कार्बन आयन बन रहा है वो एसीटल्डिहाइड के अणु पर ही आक्रमण करेगा तो सिंपल एल्डोल बनेगा, पर ये जब जो एसीटल्डिहाइड से जो कार्बन आयन बन रहा है ये एसीटोन के कार्बन पर जब आक्रमण करेगा तो इससे जो एल्डोल बनेगा वो मिक्स एल्डोल होगा। तो दो सिंपल एल्डोल और दो मिक्स्ड एल्डोल इस प्रकार की अभिक्रिया में प्राप्त। तो ये है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब हम आते हैं केनिसारो अभिक्रिया, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों की एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये बिल्कुल उल्टा है, ये वे एल्डिहाइड दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इट इज शोन बाय एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन इन इट, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह का एल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको कोल्ड कंसंट्रेटेड एल्कली ठंडे सांद्र क्षार के साथ जब क्रिया करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है। ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और अपचयन से अल्कोहल बनता है, तो अम्ल और अल्कोहल दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये केनिसारो अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें हम उदाहरण लें फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जब इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इट हैज नो अल्फा कार्बन, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल समूह है, उसके अलावा कोई कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का इसमें प्रश्न नहीं होता। तो इस तरह का फॉर्मल्डिहाइड जब कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ क्रिया करेंगे तो ऑक्सीकरण से सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और अपचयन से मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब इसका हम मैकेनिज्म पार्ट लें। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्षार से जो OH- आयन बन रहा है ये इसके फॉर्मल्डिहाइड के धनात्मक केंद्र कार्बन पर आक्रमण करेगा, इस तरह से ये एनायन बन गया। अब इसमें से एक हाइड्राइड आयन, ये हाइड्रोजन जो है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है H- हाइड्राइड आयन के रूप में, और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के धनात्मक केंद्र कार्बन पर यहाँ पर ये आक्रमण करेगा, और इसके आक्रमण से क्या होगा, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, यहाँ से हाइड्राइड आयन निकल करके ये फॉर्मिक अम्ल दे देगा और यहाँ पर जब ये हाइड्राइड आयन आक्रमण करेगा तो इस तरह का एनायन बनेगा, और ये किसी भी सोर्स से प्रोटोन ग्रहण करके मैथिल एल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो फॉर्मिक अम्ल और मैथिल एल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये ट्राई मैथिल एसिटल्डिहाइड है, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इस पे इसको पेवल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, तो अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी केनिसारो अभिक्रिया देखा। बेंजल्डिहाइड में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी जो है केनिसारो अभिक्रिया देगा। तो ये जो दूसरे एल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो भी इस प्रकार की केनिसारो अभिक्रिया दे सकते हैं। अब इसी में क्रॉस केनिसारो रिएक्शन, हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यानी कि ठंडे सांद्र क्षार NaOH के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट देगा और बेंजल्डिहाइड जो है अपचयित होकर के और बेंजिल एल्कोहल में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से जब हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं और उसमें एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण होगा और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका हमेशा अपचयन होगा। तो इस केस में सोडियम फॉर्मेट और बेंजिल एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की ये जो अभिक्रिया है ये क्रॉस केनिसारो अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें कि दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसके मिश्रण की क्रिया हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन या बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, ये मुख्यतः बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया है।
तो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ केसीएन, केसीएन के जलीय एल्कोहलिक विलयन के साथ की जाती है, तो उसके दो अणुओं का संघनन होता है और उसके दो अणुओं के संघनन से हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है जो कि बेंजोइन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड के दो अणु है एक्वस एल्कोहलिक केसीएन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और अब इसमें देखेंगे आप OH समूह भी है और कीटोन समूह भी है, हाइड्रोक्सी कीटोन है, और ये हाइड्रोक्सी कीटोन बेंजोइन के नाम से जाना जाता है और इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये बेंजोइन संघनन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब इस बेंजोइन संघनन अभिक्रिया की हम क्रियाविधि की बात करें तो इसमें पहले साइनाइड आयन नाभिक स्नेह के रूप में बेंजल्डिहाइड के धनात्मक केंद्र कार्बन पर आक्रमण करके इस तरह की स्पीसी देगा। इस तरह की स्पीसी में से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल करके और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है और ये एक इस प्रकार का कार्बन आयन मध्यवर्ती के रूप में बन रहा है। ये कार्बन आयन दूसरे बेंजल्डिहाइड के धनात्मक केंद्र कार्बन पर आक्रमण करेगा और उस कार्बन पर आक्रमण करके इस प्रकार की स्पीसी जनरेट करेगा। अब इस स्पीसी में क्या होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, यहां से एक प्रोटॉन H प्लस के रूप में जुड़ करके निकल करके और यहां पर जुड़ जाएगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन स्थानांतरण होता है और इससे इस तरह का स्पीसी प्राप्त होती है और इसमें से फिर ये नेगेटिव चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर, और ये CN साइनाइड आयन के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और ये जो उत्पाद है ये उत्पाद बेंजोइन। तो इस तरह से दो बेंजल्डिहाइड के अणुओं का संघनन होता है किसकी उपस्थिति में, जलीय एल्कोहलिक केसीएन की उपस्थिति में और हाइड्रोक्सी कीटोन बेंजोइन उत्पाद के रूप में। Now next reaction is Perkin reaction या Perkin अभिक्रिया। अब इसमें Perkin अभिक्रिया में क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो किसी भी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है उसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में। एल्डिहाइड इट रिएक्ट्स विद एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, जैसे ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड के ही सोडियम लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले सोडियम एसिटेट आयोनाइज होकर के एसिटेट आयन में परिवर्तित होता है, ये एसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड में से यहाँ से इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ग्रहण करके इस प्रकार का कार्बन आयन मध्यवर्ती के रूप में देता है और ये कार्बन आयन अब दूसरे एल्डिहाइड अणु के धनात्मक केंद्र कार्बन पर आक्रमण करेगा, उसके आक्रमण से इस तरह की स्पीसी प्राप्त होगी। ये किसी भी स्रोत से प्रोटॉन ग्रहण करेगा और यहां पर O- के साथ प्रोटॉन जुड़ करके OH आ जाएगा। अब ये इसमें इस तरह से जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा, HOH ये अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाएगा और अब इसको गर्म करने पर जल के अणु का विलोपन हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, और जल के अणु का विलोपन होकर के अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में द्विबंध आ जाता है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इस तरह से प्राप्त होता है और ये जो अभिक्रिया है एल्डिहाइड्स की ये Perkin अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स की, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।